नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और मेरा यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो के जरिए हम बात करते हैं SBI में बिलर कैसे ऐड करते हैं या तो SBI में बिलर कैसे मैनेज करते हैं, हाउ टू मैनेज और ऐड बिलर इन SBI थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। दोस्तों, कभी भी आपको जो म्यूचुअल फंड में पे करना है या तो मंथली बिल पे करना है तो आप ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट से बिल किसी एक डेट में फिक्स डेट में आपका बिल कट जाते हैं और आपको बार बार बिल को भरते रहने का काम नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे ही किसी काम के लिए आप अगर बिल पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का फीस हो, चाहे आपका किसी म्यूचुअल फंड का मंथली डिडक्शन हो, आप कर सकते हैं। कैसे उस बिलर को फिक्स कर सकते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए हम पहले गूगल में चला जाते हैं और गूगल में हम लिखते हैं ऑनलाइन SBI, क्योंकि हम ऑनलाइन SBI के थ्रू ही करेंगे, SBI में करेंगे, दिखाएंगे, इसलिए ऑनलाइन SBI में हम क्लिक कर देते हैं। इसका तो फिर आप लॉगिन प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, लॉगिन में क्लिक कर दीजिए, फिर कंटिन्यू टू लॉगिन, आपका ID पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए और लॉगिन हो लीजिए। दोस्तों, अभी हम SBI इंटरनेट बैंकिंग के अंदर घुस चुका हूँ। हमें बिलर ऐड करने के लिए पहले बिल पेमेंट में चला जाना पड़ेगा, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। बिल पेमेंट में साइट की तरफ हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, व्यू बिल, मैनेज बिल। ओके, मैनेज बिलर में हम क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऐड, मॉडिफाई, व्यू, डिलीट। हम पहले ऐड में क्लिक करेंगे। ऐड में क्लिक करने के बाद एक फॉर्म सा खुल गया आपको, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कीजिए ऑल इंडिया बिलर्स या तो आप आपका स्टेट वाइज सिटी वाइज बिलिंग है तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हम फिलहाल ऑल इंडिया बिलर्स में क्लिक करेंगे और यहाँ से बिलर्स का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे उस लिस्ट में आ जाएगा बिलर नाम। मेरे चूँकि मेरा एक म्यूचुअल फंड का बिलर फिक्स करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो इसलिए SBI म्यूचुअल फंड में मैं क्लिक कर दिया इस नाम को। आपका जो हुआ वो क्लिक करना है, इसके बाद आप गो में क्लिक कर दीजिए। आपका जो नाम होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे निकनेम एक लिखने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे एक निकनेम हम लिख देंगे। मान लीजिए हम लिखते हैं SBI MF निकनेम, ये आपका जानकारी के लिए है ताकि आपका डिडक्शन जब होगा पता चल जाए। एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलते हैं, जो भी आप बिलर के लिए आप अप्लाई करेगा, आप ऑनलाइन करने जाएगा तो आप एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर जेनरेट होगा। जैसे मेरा ये यहाँ पे एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है, ये मेरा म्यूचुअल फंड का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। ऐसे ही आपको कोई बिल पे करना है तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जेनरेट होगा, उस नंबर को यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा, इसको हम वहाँ पे डाल देंगे। फिर आप सिलेक्ट कीजिए ऑटो पे करना है तो ऑटो पे में यस में कीजिए, ऑटो पे में रखिए आप, नहीं तो नो में कर लीजिए। ऑटो पे का आप लिमिट ट्राई कीजिए, जितना पैसा आपको हर मंथली काटना है उतना लिमिट। अब आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से आपको डिडक्शन करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर सबमिट में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, प्लीज़ एंश्योर डेट सफिशियंट बैलेंस इज अवेलेबल इन योर अकाउंट ऑन द शेड्यूल डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑटो पे टू अवॉइड पेनाल्टी। आपका जिस डेट में ऑटो पे करना है उस टाइम में आपका सफिशियंट अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस हो, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका पेनाल्टी लगेगा
ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। फिर आप इसको ओके में क्लिक कर दीजिए। और ये न्यू पेज में रिडायरेक्ट कर लिया है और आपका मोबाइल में एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना होगा। मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी को डाल देते हैं और यहाँ पे कंफर्म में क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, यू हैव एडेड SBIMF टू बिलर लिस्ट इतना तारीख को, प्लीज नोट दैट ट्रांजेक्शन नंबर फॉर योर फादर रेफरेंस। फादर रेफरेंस के लिए ट्रांजेक्शन नंबर रख लीजिए और आपका अकाउंट में एक बिलर SBIMF बोल के ऐड किया गया है सक्सेसफुली। दोस्तों ये था आज का वीडियो, ताकि आप कैसे बिलर ऐड कर सकते हैं SBI इंटरनेट बैंकिंग में और मंथली आपका बिल ऑटोमेटिकली पे हो सकता है, तो उसके बारे में वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं जो समझाने जा रहा था आपको समझ में आया होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक मेरा नया वीडियो ना आए तब तक के लिए बाय बाय।